आते ही घर की पूरी देखभाल कर लिए, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं मिला है। बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं, इनकी मेंटेनेंस करनी, बस प्लांट देख लिए, सब्जी देख ली और गूगल की धूड़ी दे ली, कपड़े धो लिए, प्रेस कर लिए, बस इन्हीं कामों में 2 दिन बीत गए मेरे। तो कल अपने आप पे थोड़ा ध्यान दूंगी और अपने आप को थोड़ा ग्रूम करूंगी। तो कपड़े हो गए हैं सारे प्रेस, और ये साड़ी भी मैंने धो दी थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी। जो वो 15 अगस्त वाले दिन हम प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ बारिश हुई हुई थी और लॉन में था प्रोग्राम, तो नीचे ये फॉल वाला एरिया पूरा गंदा हो गया था। तो ये उसमें थी, चंदेरी टाइम में है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से धुल गई है। बाकी कपड़े प्रेस हो गए हैं। अपनी मशीन भी थोड़ी संभाल लेती हूँ, टाइम नहीं मिला इसको ढक देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ इस पर। तो मशीन मैंने ढक दी है और बाहर देख लेती हूँ। ओहो, ये गमले पानी मांग रहे हैं, खिड़की के नीचे हैं। देखो पपीते के भी बड़े अच्छे फूल आ रखे हैं। और यहीं से सब्जियाँ मैं मेरी देख लेती हूँ। इसमें आज फिर गूगल की धूप दूंगी थोड़ी सी, कल भी दी थी। तो इसमें पानी डलवा देती हूँ, पूरे सूख रखे हैं, इनमें बारिश नहीं लगती, वैसे तो बारिश होती रहती है। तो अभी बताती हूँ पानी देने का, चलो डालाओ फिर सब में दे दो। तो कुछ कपड़े सूखे नहीं है, वो बाद में ले आएंगे। तो ये बन गए हैं सेल्फी औरों के लिए चावल, उनको शाम को हम चावल चिकन देते हैं, सुबह देते हैं पेडिग्री, दोपहर को दूध देते हैं। और आज शाम की सब्जी बनाएंगे लोबिया के साथ, लोबिया और आलू की बनाएंगे। ये घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, बड़ी अच्छी कच्ची बिल्कुल, कुछ तो मैं सुबह ही तोड़ के लाई थी। ये देखो ऐसे टूट जाती है, ये तो मेरे दूसरा कुक आ रखा भी, वो बनाएगा। राजीव तो चला गया छुट्टी 5-6 दिन के लिए, और मैं एक दो गुलगुला खा लेती हूँ। कल गुलगुले बनाए थे, अभी हल्की भूख लगी है, शाम के बज गए हैं 5, तो 2-3 गुलगुले मैं खा लेती हूँ। गुलगुले मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है गुलगुले बताना जरा। अंदर अंदर बार 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 बार, ये बस दरवाजा खुले और अंदर की तरफ जाते हैं। चलो झूला झूलते हैं थोड़े, आ जाओ। गुलगुला कौन खाएगा? ये लो गुलगुले, ये भी बड़े शौक से खाते हैं, ले लो। लीचू, ये मैंने कल सजाया था थोड़ा सा ऐसे करके, ये एक बेल लगाई है आर्टिफिशियल, पहले भी लगी हुई थी, अब एक और लगा दी। ये गमले गुमले रख रखे हैं जिसमें देखती हूँ कौन कौन सा पानी मांग रहा है। ये बरामदे के नीचे हैं तो इनमें बरसात की नहीं लगती, देना ही पड़ता है। लो लीचू, लीचू ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ऐश या वैश। कभी कभी हम इनको मीठा दे देते हैं। आपको दिया है मैंने, लो फिर चलो खा लो बैठ के, मजे से खाती है। तू नहीं चाहिए सेल्फी? ये इनकी मदर है और ये 2 बच्चियां हैं इनकी, ये वाली 2 बच्चियां हैं, वो मदर है। मदर हो गई है, काफी बुजुर्ग हो गई है मेरी तरह से। बल्कि जो मैं प्लांट लेके आई थी वो भी मुझे टाइम नहीं मिला है लगाने का। सोच रही हूँ माली बुलाऊं या खुद ही लगाऊं। कल इनको हर हालत में लगाएंगे, तो आपको बताएंगे कि प्लांट्स के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए और कैसे उसको तैयार करना चाहिए। ये 1-2, ये इसका नाशपाती का, वो लीची का। लीची के मेरे पास ऑलरेडी 2 है, लेकिन फिर भी मैं और ले आई, ये कंटेनर में लगाऊंगी। और ये तो पहले के हैं, और क्या था, ये अंजीर का, अंजीर, कड़ी पत्ते, और ये मोरिंगा। मोरिंगा का कहते हैं बहुत बढ़िया, इसके कैल्शियम और आयरन और इसके पाउडर, पत्ता, जड़ समेत, फलियां समेत सब खाएंगे अब की बार हम। तो ये तो अभी तो गमले में लगे हुए, अभी नहीं छेड़ूंगी इनकी, थोड़ा बड़ा होने दूंगी। ये भी बहुत सारे कड़ी पत्ते मेरे को लगा के दे दिए थे, तो इनको भी अलग अलग करेंगे, और ये भी अलग अलग कर देंगे, कहीं कहीं लगा देंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो तोड़ता रहेगा। तो ऐसा करेंगे कल। अभी तो छत वाले गमले तो देखे ही नहीं, छत पर भी जाके आऊँगी, वहाँ भी देखते हैं क्या कुछ है। ये 3 गमले और मेरे खाली निकले थे, इसमें भी कुछ कुछ लगाऊंगी। और ये मैं राख लेके आई वहाँ से, उपले की राख है, तो सब पौधों में ये राख दूंगी। और ये कॉर्नर सजा रखा है, कॉर्नर में मनी प्लांट ही है तकरीबन, तो ये फैल फैल के इस तरफ हो रखा है। ये छोटे मोटे वैसे इस लैब पे मैंने वहाँ तक रख दिए। प्लांट्स के साथ तो मैं सारा दिन बिता सकती हूँ, मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ। चलो देख लेते हैं, अंगूर भी पक रहे हैं नहीं पक रहे, इन अंगूरों ने मुझे आफत डाल रखी है, पकने का नाम नहीं लेते। देखो कितने गुच्छे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, जगह जगह इतने बड़े बड़े, एक एक अंगूर पक रहा है इनका, क्या करूं। ये देखो जैसे वो पक रखा है ऊपर, एक साथ नहीं पक रहे हैं, ये देखिए भरा पड़ा है।
मुनक्का है ये, बड़ा सा बीज है इन गुरों में, ये बताना प्लीज कि कब पकेंगे। एक यहाँ करेले की बेल लगी है, काफी बड़ी हो रखी है, देखो पूरी खंबे तक चली गई है। और मैं देखती हूँ ये लगी हुई कहाँ है, पानी भी दे देते हैं। ये लगी है इस थर्माकोल के बक्से में, देखो कहाँ तक जा रखी है। ये देखो पानी इसमें बरसात का शायद यहाँ पड़ता नहीं है, सूखी पड़ी है। ये देखो पीले पत्ते भी पीले हो गए। आज एक बार फिर से मैं गूगल की धुनी देने आई हूँ, तो देखती हूँ दो ये देखो तोरी इतनी मोटी मोटी, एक तो यहाँ से तोड़ी और एक कहाँ से तोड़ी, एक इसी के पास इसी में से ही इधर से तोड़ी, दिखाई नहीं देती। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई, अगर दो दिन ना तोड़ते तो ये पक्की जाती। और पूरी ऑर्गेनिक इसी मेरी इसमें है, ये जा रही है बेल, ये देखो। और वहाँ कहीं इसकी जड़ है, उस तरफ जड़ का तो पता नहीं कहाँ है। और भी मिलेंगी अभी, और भी तोड़ के इकट्ठी करती हूँ। ये है उसकी जड़ तोरी की, देखो। और पता ही नहीं बेल तो कहाँ कहाँ उलझ पुलझ हो रखी है, सारे अशोका वाले टेढ़े कर रखे हैं इन्होंने। और ये एक लौकी की है, लेकिन लौकी की शायद थोड़ी ख़राब हो रखी है, इसकी मैं कर देती हूँ 3D कटिंग कर देती हूँ, तोड़ देते हैं। हमने क्या करना है इसका फिर, जब ये हो ही नहीं रही, और निकल आएंगे अपने आप इसके। देखो अजीब सी बेल है। ये बैंगन के हैं, बैंगन के इन्होंने पीछे से तोड़ लिए थे तो और लग रहे हैं। और ये कद्दू देखो, अब कद्दू हो जाएंगे, मैंने कल धुनी दे दी और आज धुनी दे दी, अब शायद नहीं मरेंगे, मुझे हेल्दी लग रहा है कुछ ये। इधर देखो गायों ने सारी बेल चबा दी, तोरी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये देखो क्या हालत बना दी है। चलो एक मेरे को ये लोबिया और मिल गया, ये तोड़ देते हैं, कई फलियाँ हैं। दो तीन भिंडी मिल गई हैं, दो लौकी मिल गई है, ये तोरी मिल गई है, तो हमारी दो लोगों की एक सब्जी बन जाएगी, काफ़ी लंबी लंबी और अभी कच्ची है बिल्कुल। जब धूनी चलते चलते बुझ गई है, एक बार फिर से मैं इसको लगा देती हूँ आग। चलो जी धुई धाई हमने दे ली है और अब अपनी तोरी और वो उठाते हैं और चलते हैं। काफ़ी टाइम इनके साथ बिता लिया है। देखो वैसे तो मैं आर्म्स फोर्स से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन ये क्लबिंग पार्टी ये वगैरह बहुत कम करती हूँ। शॉपिंग का भी मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है, बस मैं अपने इन पेड़ पौधों के साथ ही अपना टाइम बिताती हूँ। सुबह शाम जरूर इनको देखती हूँ और इन्हीं की सेवा करती हूँ, और यही मुझे करना अच्छा लगता है। थैंक यू। कितना प्यारा फूल लगा हुआ है बिल्कुल जड़ में। काम करते करते हो गई है शाम, तो अब मैं खाऊंगी एक आम, और ये आम का जो लंगड़ा और चौसा है ना, ये जरूर निकाल लेना है आप चाकू से, अगर इसका वो रस सा निकल जाता है तो वहीं बहुत बड़ी जलन लगती है और गले में भी खराश हो जाती है, और ऐसे है ना जल सा जाता है, ऐसे लगता है जैसे आग से नहीं जलते वैसे जल जाता है अगर इसका कहीं रस लग जाए तो। इसको काट के अगर चूसना है तो इसको ऐसे काट के, और नहीं तो वैसे फाड़ी करके खाओ। और सब्जी हमारी बन चुकी है, आज हमने लोबिया और आलू, दाल रखी है दोपहर की, बस दूध और आटा बना लिया, शाम को रोटियां बना ली हैं, बस इतना सा काम है आज का, रूटीन ये था। और अब करते हैं बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। रात के बज गए हैं 9, खानवाना खा लिया है और अभी इनको घुमा के लाएंगे। जिधर घुमा के लाऊंगी उधर बहुत अंधेरा है, तो उधर कुछ वीडियो में आएगा नहीं, मैं बस इनके पट्टे ले लेती हूँ। ये ले लिए हैं इनके पट्टे, वैसे तो राजीव घुमा के लाता है लेकिन आज मेरी ड्यूटी है। चलो बच्चों चलो चलो जी, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और उधर लगा देती हूँ लॉक।